इलाहाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। धनघटा तहसील के कटिया गांव में गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरिया ग्राम समाज का तालाब को सुखाकर मछली मारने को लेकर ग्राम प्रधान ने डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। ग्राम प्रधान ने बताया कि सूखे के संकट को देखते हुए जीव जंतु पानी बिन व्याकुल हैं। ऐसे में गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा तालाब को सुखाकर मछली मारा जा रहा है। एक तरफ जहाँ शासन की मंशा है कि सूखे पड़े पोखरे को भरवाया जाए, तो वहीं गाँव के ही रहने वाले कुछ उक्त व्यक्तियों द्वारा तालाब को सुखाकर मछली मारा जा रहा है। ऐसे में युवक ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने प्रार्थना पत्र देने आया हूं। मेरे ग्राम पंचायत में ग्राम समाज का तालाब है। कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति जो है अपना नंबर बता करके उसमें जबरन उसका पानी निकाल रहे हैं। मना करने के बाद जान से मारने की धमकी देते हैं। पानी क्यों निकाल रहे हैं? मछली मारने के चक्कर में पानी निकाल रहे हैं और मना करने पे अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, गाली गुस्ता देते हैं। कौन लोग हैं? निसार अहमद पुत्र यूसुफ, रमीउल्लाह पुत्र हकीकुल्लाह, संतोष पुत्र रामलोट, जगदीश पुत्र रामलोट, छोटे लाल पुत्र बेकारू। क्या मांग करते हैं डीएम साहब से? डीएम साहब से यही मांग करते हैं सर, गर्मी काफ़ी गर्मी के मौसम में तालाब का पानी नहीं निकाला जाए। जीव और जंतु को के पीने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है और मछली मारने के चक्कर में तमाम पशु पक्षियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सर। क्या नाम आपका? विजय प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत कटिया के रहने वाले, वर्तमान प्रधान हैं सर।